लड़के ने बताई गांव में से 250 रुपए की दवाई आती है, उससे शरीर बढ़िया बनता है। वो चूरन था, वो इस डिब्बा सा था, 2 इंच का था 2 1 इंच का डिब्बा था, स्टोर वाले से लिया था मैंने। कैसे लेना होता था वो पानी से या दूध से लेना था। भूख मतलब इतनी हो गई थी कि कुछ भी खा जाओ, कुछ भी खा जाओ कुछ भी। 12 बजे 2-2 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे जब भी आँख खुलती जब भी भूख लगती थी मुझे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। और दोस्तों आप भी बनाओ 250 रुपए में बॉडी। जी हाँ, भैया ने बनाई थी 250 रुपए में बॉडी और अब यहाँ आए हैं। मैं देख रहा हूँ मैंने भाई कहाँ गई वो बॉडी, पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो फिर दुबले पतले हो गए। दोस्तों आप भी कहीं सोच रहे हैं 250, 300, 600, 800 रुपए में बॉडी बनाने की, तो सावधान हो जाओ। भाई के मुंह से ही सुनना क्या हुआ इनके साथ। सबसे पहले लेंगे इंट्रोडक्शन और भाई का बहुत बहुत स्वागत है सप्लीमेंट्स विला आने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और अब मैंने वादा कर दिया है कि अब इनको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। तो इंट्रोडक्शन, नाम मेरा रोहित है, मैं टीकरी ब्राह्मण से आया हूँ। जी भैया, क्या कैसे बनाई 250 रुपए में बॉडी बताओ जरा। मैं भाई लेने गया था, मुझे एक लड़के ने बताई गांव में से 250 रुपए की दवाई आती है, उससे शरीर बढ़िया बनता है। मतलब दवाई क्या थी वो, गोली कुछ, चूरन चटनी? वो चूरन था, वो इस डिब्बा सा था, 2 इंच का था 2 1 इंच का डिब्बा था। डिब्बा था, ठीक है वो स्टोर वाले से लिया था मैंने। कैसे लेना होता था वो पानी से या दूध से लेना था। अच्छा, पानी या दूध से लेना होता था। उससे मेरी बहुत जोर भूख लगती थी मुझे, और मुझे प्यास खान रात को 12-12 बजे से उठकर मुझे खाने खाना दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। अच्छा, और भूख मतलब इतनी हो गई थी कि कुछ भी खा जाओ, कुछ भी खा जाओ कुछ भी। 12 बजे 2-2 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे जब भी आँख खुलती जब भी भूख लगती थी मुझे। यार इसका मतलब जब तुम उसे खा लेते तब तो बहुत मजा आ रहा होगा। जब तो वैसे मजा आ रहा था, उसे छोड़ दिया तो डाउन हो गया शरीर, प्यास भूख थोड़े बीमार सा पड़ गया मैं। और इलाज में भी लग गए कुछ पैसे? इलाज में भी लग गए, फिर 2-3 हजार रुपए लग गए थे। मतलब 250 रुपए का चूरन खाया, उसके बाद भैया ने सेहत बना ली, बॉडी बना ली, और भैया आप 2-3 हजार रुपए इलाज में लग चुके हैं और वो सेहत सब डाउन है। डाउन है बिल्कुल। भूख का क्या हाल है जी? भूख कुछ भी नहीं है अब मेरी, कुछ नहीं, मैंने छोड़ दिया था वो, कुछ नहीं है भूख। तो दोस्तों देख लो आप, ये है वो 250 रुपए का चूरन चट। अब जरा एक और चीज ध्यान रखना, मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कोई भाई उस चूरन को खाने की अब सोच रहा हो या कोई खा रहा हो, उसे क्या सलाह है? उसे बेकार है, उसे मैं यही कहना चाहता हूँ, उसे मतलब बेकार सिस्टम है वो, बेकार सिस्टम है। सब सुन लो अपने, जरा कानों को खोल कर, आँखों को खोल कर देख लो इस वीडियो को और शेयर कर दो। अरे दुबले पतले हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है यार, मोटे तगड़े हो जाओगे, पर जल्दी किस बात की? और भैया मुझे ऐसा लगता है कि वो 250 रुपए का जो तुमने चूरन खाया था, उसकी जगह अगर तुम 250 रुपए का जूस पी लेते वो बढ़िया रहता। वो बढ़िया रहता, वो मैं से पछता रहा हूँ बहुत लेके उसके। देख लो दोस्तों ये है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपका बजट नहीं है सप्लीमेंट लेने का। देखो ओरिजिनल सप्लीमेंट नो डाउट थोड़े कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं, और मैं कह रहा हूँ आपका बजट नहीं है मत लो सप्लीमेंट। अरे आप उस 250, 400, 600 रुपए का कोई जूस पी लो, दूध पी लो, अरे कोई ड्राई फ्रूट्स खा लो, दाल खा लो, कुछ भी खा लो, पर यार ये जहर चूरन चटनियाँ सस्ते गेनर प्रोटीन मत लो। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो और सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से लो, क्योंकि आज पूरे इंडिया का विश्वास है सिर्फ सप्लीमेंट्स विला। तो यहाँ पर अब भैया कहने लगे, भैया लाओ दो, अब करो दुबले पतले शरीर को मोटा तगड़ा, पर नहीं, अभी इनको सप्लीमेंट नहीं देना, कोई गेनर कोई प्रोटीन कुछ नहीं देना, क्योंकि जब तक इनकी भूख नॉर्मल नहीं होगी, जब तक इनकी भूख नहीं खुलेगी, तब तक कोई भी सप्लीमेंट असर नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि देखो मास गेनर अगर मैं इनको दे देता हूँ, तो मास गेनर लेना, आधा लीटर दूध में साथ में बनाना, ब्राउन ब्रेड ड्राई फ्रूट्स, पता लगा पूरे दिन में मास गेनर ही खाया, इन्होंने कुछ खाया ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है उसका। इसलिए मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ दिए दो चीज़ें, क्या है भैया दिखाओ जरा। एक तो दिया है एनर्जी प्रो, और मैंने बोल दिया कि एक्सरसाइज जरूर करेंगे, और रोहित दिखाओ क्या है, और एक दिया है गट पावर। ये दो चीज़ें मैंने भैया को दी हैं, वरना भैया तो लेने आए थे मास गेनर वगैरह कुछ। मास गेनर लेने आए थे। देख लो कितने बजट बना के आए थे आपके भाई। मैं 8-9 8-9 हजार रुपए लेके आए थे, और मैंने नहीं दी, क्योंकि दोस्तों सेल का गोल नहीं है, जो सप्लीमेंट की जरूरत है वही दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो अभी इनको 1 से 1.5 महीने में खिलाऊंगा गट पावर। ये क्या है ये? क्या ये उसी चूरन चटनी की तरह भूख बढ़ाएगी? नहीं, ये धीरे धीरे भूख बढ़ाएगी, और इसका भूख से तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके डाइजेशन सिस्टम से। आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा, लीवर पावर बढ़ेगी, उससे फिर आपकी भूख बढ़ेगी। तो इसलिए आप लो गट पावर, अगर भूख नहीं लगती है, खाया पिया नहीं लगता है, दुबला पतला शरीर है, तो गट पावर 1 टैबलेट लंच करने के बाद, और एक्सरसाइज जरूर करो।
आप अक्सर सोचते हैं कि यार मैं दुबला पतला हूं, मैं जिम जाके क्या करूंगा। अरे भाई जिम जरूर जाओ। वो क्यों जाओ? क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी शरीर खुलेगा, भूख खुलेगी। तो यहां पर सिर्फ 1550 रुपए की गट पावर जो कि 2 महीने चलेगी, और 450 का एनर्जी प्रो जो कि एनर्जी देगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और ये भी भैया को मिले हैं ओरिजिनल जीएसटी बिल के साथ। दोस्तों ये जीएसटी बिल और ये टी शर्ट शेकर सप्लीमेंट्स वाला की तरफ से भाई को गिफ्ट है। अब यहां देखें तो नो डाउट, देखो यार टोटल 2000 रुपए का ये सप्लीमेंट है जिसमें 18% टैक्स भी है, समझ रहे? तो यहां पर भैया ने 400-500 का टैक्स भी पे किया है। तो मैं पूछना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा? वैसे तो भुगत चुके हैं पर फिर भी सवाल पूछूंगा, जहाँ सेहत का सवाल है रोहित, क्या पैसा देखना चाहिए? नहीं नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं देखना चाहिए, शरीर सेहत है, पहले सेहत है बाद में सब कुछ है। तो दोस्तों सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चूरन चटनी कुछ गंदी चीजें मत लो, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, और सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से लो। तो आइए आप भी सप्लीमेंट्स विला, भूख नहीं लग रही है तो गट पावर लीजिए, एनर्जी प्रो लीजिए एक्सरसाइज के बीच में। तो जो भी सप्लीमेंट आपके लिए सही होगा वो मैं आपको दूंगा, तो सप्लीमेंट्स विला विजिट करो। और एक और गुड न्यूज है आपके लिए, आप अक्सर कहते थे भैया किसी महीने बजट कम होता है यार, ईएमआई पे सप्लीमेंट मिल जाएगा। तो हाँ, ईएमआई पे भी सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा। supplementsvilla.com विजिट करो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ईएमआई भी बनवा सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर नीचे चल रहा है supplementsvilla.com पर, अब ईएमआई पर भी सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे। और बाकी कोरियर सर्विस है ही, तो विजिट करें सप्लीमेंट्स विला, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप। और जैसे भैया टीकरी ब्राह्मण रहते हैं तो नजदीकी आउटलेट पड़ता है पलवल, तो पलवल आ गए आप। और कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जहाँ आपके अपने आउटलेट्स हैं, एक भी आउटलेट फ्रेंचाइजी वाला नहीं है, आप जा सकते हैं दिल्ली कालका जी, पलवल हरियाणा, मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पर आपके अपने आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं। गूगल मैप पर सबकी लोकेशन है। दिल्ली में एक और ओपन होगा, गुजरात चलेंगे, उसके बाद सब जगह पूरे इंडिया में आउटलेट्स ओपन होंगे, पर धीरे धीरे होंगे यार, क्योंकि फ्रेंचाइजी वाले आउटलेट नहीं है, ये आपके अपने आउटलेट्स हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, इसलिए फ्रेंचाइजी वाले आउटलेट नहीं, आपके अपने। तो जुड़ो आप भी सप्लीमेंट्स वाला से, और जो गलती भैया ने की है वो गलती आप मत करना। अगली बार मुलाकात होगी भैया से जब इनकी भूख खुल जाएगी, और जरूर खुलेगी, पीछे इनका मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक बार मैं पीछे लग जाता हूँ फिर पीछा नहीं छोड़ता हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप एक बार जुड़ जाओ सप्लीमेंट्स वाला से, उसके बाद कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा वादा है। अब देखो भैया से पूछ लेता हूँ, भैया मुझे बताओ आज आप पहली बार जुड़े हो सप्लीमेंट्स? पहली बार। और कैसा लगा यहाँ आके? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, वीडियो देखते आया हूँ। और मुझे बताओ अब तो कहीं नहीं जाओगे? अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वीडियो देख के आपके धोरे आया हूँ। अब नहीं जाएंगे कहीं, और ना मैं जाने दूंगा। तो आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स वाला से। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। आज के लिए किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।